महीने के निचले स्तर पर इसलिए लुढ़की है क्योंकि हमने मॉनसून में यहाँ पर सुधार होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सोयाबीन की 90% खेती होती है और इन राज्यों में हमने पिछले हफ्ते में जोरदार बारिश होते हुए देखी है, जैसे आपने स्काईमेट की तरफ से ही यहाँ पर बयान सुना, अपडेट सुना। हल्दी की अगर बात करें तो 3 महीने के निचले स्तर पर ये भी कमोडिटी लुढ़क गई है। आगे खेती में जिस प्रकार से सुधार देखने को मिलेगा या मॉनसून के प्रोग्रेस के साथ आपको किस तरह की रणनीति अपनानी है, यहां पर मदद करने के लिए निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। बुआई वैसे कम है लेकिन मॉनसून की गति थोड़ा बेहतर होती दिख रही है, हफ्ते दर हफ्ते और सुधार ही दिखेगा। सोयाबीन पर आपकी नजर है, 3600 के नीचे हमने करंट कॉन्ट्रैक्ट फिसलते एक समय देखा है, क्या किया जाए? आई थिंक जो फार्म एंड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे सितंबर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे मॉनसून का प्रोग्रेस और अच्छा होगा, एमपी में बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी है मॉनसून में आते हुए, सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद, जो पहले एस्टिमेट से उससे ज्यादा प्रोडक्शन आएगा ऐसी होप बनती जाएगी। सो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में सितंबर या अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप सेलिंग करते हैं तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी फिलहाल 35-31 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वो आपको नीचे में 34-80-34-50 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो 2-3% की और गिरावट आपको सोयाबीन के आगे के फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिलेगी। साथ ही हल्दी पर भी एक चेक दे दीजिए क्योंकि इसकी कीमतों में भी गिरावट है, 3 महीने के लोस पर ये कमोडिटी भी है। जी हाँ, सेंटिमेंटली इवन हल्दी के प्राइसेस भी अंडर प्रेशर रहेंगे। मुझे लग रहा है कि 6000 के आसपास, 6950 के लेवल्स आपको आने वाले 2-3 दिन में देखने मिल सकते हैं। सेंटिमेंटल प्रेशर है बिकॉज ऑफ द मॉनसून, वी आर गोइंग टू सी सेलिंग प्रेशर इन द स्पाइस, इसकी भी सोइंग बढ़ेगी। मेनली आंध्र प्रदेश साइड और महाराष्ट्र साइड में जो इनकी सोइंग होती है वो उस पर पिकअप होगा और आगे जाके इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिलेगा 5900 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। वेरी वेल, चलिए लेकिन नॉन एग्री स्पेस में जरा सोने पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत छोटे दायरे का कारोबार सुबह के सत्र में दिख रहा था लेकिन अब वायदा में हमने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट चढ़ते हुए देखा, 0.5% की मजबूती, 34,750 के करीब है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने निचले स्तर से सुधार देखा है, घंटे भर पहले $1,399 के आसपास ट्रेड हो रहा था लेकिन अभी 1400 के पार फिर से एक कमोडिटी चली गई है। भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से हमने कीमतें महंगी होते हुए देखी है। इंटरनेशनल स्पेस में बात करें तो अमेरिका में रोजगार के आंकड़े अच्छे निकल कर आए हैं तो काफी हद तक हमने कॉमिक्स पर जो तेजी थी, जो 6 साल के हाईस पर सोने को लेकर गई थी, वहां से ब्रेक लगता हुआ देखा है। अब इसका मतलब क्या है? रुपया कमजोर है तो हमारे मार्केट को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिला है, आगे किन फैक्टर्स पर नजर रखना है, कैसी चाल रहेगी, ये समझाएंगे सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, किया क्या जाए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी अमेरिकी इकोनॉमी का फिगर आया है अच्छा आया है, हमारे यहाँ सोना महंगा हो गया है वित्त मंत्री जी की मेहरबानी से, अब जरा बताइए रुपया कमजोर है, क्या होगा, क्या ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? जी हाँ, सबसे पहले तो बहुत अच्छी खबर ये नहीं है सोने के खरीदारों के लिए भी, सोने की इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि वो यहाँ पर कम इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे थे और हमने 12.5% अब ये ड्यूटी आते हुए देखी है जो कि रिकॉर्ड हाईज है। और अगर आप विश्व में बात करें तो इतनी ज्यादा ड्यूटी और कहीं पर भी नहीं है और भारत क्योंकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है तो क्लियरली ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। जहां तक प्राइसेस की बात है, ऑफकोर्स हमने एक नीजर्क रिएक्शन यहाँ पर फ्राइडे को आता हुआ देखा था लेकिन अब 1428 का जो हाई था फ्राइडे को, वहां से हम काफी हद तक फिसलते हुए नजर आए हैं। बाजार नहीं मानता कि इतने अच्छे यूएस के जॉब्स डेटा के बाद हम एक इंटरेस्ट रेट कट जुलाई के महीने में आता हुआ देखेंगे, तो डॉलर में तेजी है, सोने को उसका प्रभाव आते हुए देखा है हमने और रुपया क्योंकि यहां पर डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका इंपैक्ट भी यहां पर सोने में है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा नहीं है, सेल्स हमने ज्वेलर्स की यहां पर कम होते हुए देखी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी थोड़ी सी एट अ पॉज है क्योंकि यहां पर इक्विटी मार्केट्स में तेजी है और काफी हद तक बाजार थोड़ा सा अभी चौपी यहां पर नजर आता है। लेकिन ईशु दत्वानी हमारे साथ अब यहां पर जुड़ रहे हैं। ईशु, आप क्या कहेंगे क्योंकि ये एक चीज है जिसके लिए बाजार बिल्कुल भी तैयार नहीं था, 12.5% की सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी अब यहां पर देखने को मिली है। हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि कैसे 10-50% तक स्टेट्स में हमने यहां पर सेल्स गिरते हुए देखे हैं, आपका इमीडिएट इम्पैक्ट यहां पर क्या देखने को मिला इंडस्ट्री में? नहीं तो इम्पैक्ट वही है, नेगेटिव है, वैसे ही ग्राहक ही नहीं थी, बॉम्बे में तो बारिश भी थी लास्ट वीक, वैसे भी काम था नहीं, बट दिस सीम्स टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो अभी बिल्कुल ही मतलब ड्राई अप हो गया है क्लाइंट्स का आना
और मेरे ख्याल से क्लाइंट भी रुके हुए, क्योंकि प्राइजेस वैसे भी इंटरनेशनली बढ़ गए, 1400 के ऊपर हो गए, तो वैसे ही प्राइस ज्यादा थे और अभी वो जो 2.5% और है उसका इम्प्लीकेशन आ गया। तो इमीडिएट रिएक्शन तो ये है कि बिजनेस जो है वो बहुत ही स्लो हो गया है, गोल्ड में खास करके। ओके इशू, अगर आप ये एक्सप्लेन कर सके कि क्या ये मोमेंट्री है, क्योंकि हमने ज्वेलरी एसोसिएशन से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि डिमांड से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक कंसर्न है छोटे आर्टिजन्स का, जो यहाँ पर असर डालता हुआ दिखेगा। मुझे बताइए कि आने वाले ये जो त्योहारी सीजन है, क्या ये इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, या कुछ टाइम के बाद प्राइस सेटल होंगे, लोग साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे तो वापस आएंगे? हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जरूर होगा, लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि ड्यूटी क्या है, प्राइस ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइस कुछ गिरे और प्राइजेस स्टेबल हो जाएं, तो डेफिनेटली बिजनेस वापस आएगा। हाँ। क्योंकि डिमांड जो है त्योहार की, और उससे ज्यादा शादी, शादी में जो है ये थोड़ा नेसेसिटी हो जाता है इंडिया में। हाँ। गोल्ड नेसेसिटी हो जाता है, पर हम ये देख रहे हैं लास्ट कुछ सालों में कि जो बजट शादी का होता था, जिसमें ज्वेलरी का जो परसेंटेज था, हाँ, वो कमती होते हुए नजर आ रहा है। Correct. तो अगर आप यू नो पहले आप 80% ज्वेलरी पे खर्चा करते थे, अभी आप 50% कर रहे हो। हुँ. अभी 50 का और कमती होगा, गोल्ड का प्राइस और बढ़ गया है, तो जो ग्रामेज ऑफ गोल्ड जो बिक रहा है वो कमती हो रहा है। Okay. तो डेफिनेटली यू नो इट इज नॉट गुड न्यूज। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक नकारात्मक खबर है इंडस्ट्री के लिए। शुक्रिया इशू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स ज्वेलरी इंडस्ट्री ये भी मान रही है कि टेम्पररी है, और एक समय के बाद जब शादियों का सीजन शुरू होगा, प्राइसेस सेटल हो जाएंगे, तो ग्राहकी यहां वापस लौटती दिखेगी। लेकिन इन लेवल्स पे करना क्या है, कुणाल हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। कुणाल बताइए, जो करंट लेवल्स हैं सोने और चांदी के, यहां पर क्या रणनीति होगी? वेल, गोल्ड के प्राइजेस 2 महीने में ही हमने 32,000 से 35,000 टेस्ट करते हुए देखा है। अगर किसी को भी लग रहा है कि ये यहाँ से डिमांड, फिजिकल में डिमांड कम होने की वजह से प्राइजेस गिर जाएंगे, डू नॉट स्टे अंडर दैट इम्प्रेशन। ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स लगातार गिर रही है, ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक ने डाउनग्रेड कर रहे हैं। सो ऐसे हालात में गोल्ड प्राइजेस नीचे जाने की संभावना है बहुत कम है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी प्राइस बढ़ेंगे, इवन दो ज्वेलरी डिमांड सब्ड्यूड रहेगी, फिर भी गोल्ड के प्राइजेस यहाँ से जोर से ऊपर जा सकते हैं। और मेरा व्यू और भी बुलिश है, हमने 35,000 के टारगेट बहुत टाइम से दे रहे थे। हाँ। वो अचीव हो गए, वो मुझे लग रहा है मैं अपवर्ड रिविजन कर रहा हूँ 36,500 का, 36,000 to 36,500 के प्राइस। कब तक ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 to 4 months में आपको और मौजूदा स्तरों से 1,000 से 1,500 रुपए की अपसाइड देखने मिलेगी। ओके, मतलब दिवाली के आसपास सोना और चमकता हुआ दिखेगा, 36,500 तक के लेवल। और चांदी में आपका क्या टारगेट होगा ऊपर? सेम कंजर्वेटिवली 40,500 to 41,000 ऑन MCX, इतना हमको लग रहा है कि इवन दो ज्वेलरी डिमांड सब्ड्यू, इवन दो इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन डिमांड सब्ड्यूड है, फिर भी सिल्वर की माइन सप्लाई ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, और एक टाइम के बाद ये जो बेस मेटल के ओवरहैंग में से सिल्वर बाहर आके वो भी गोल्ड को कैचअप करेगा। सो 3 महीने में कंजर्वेटिवली 40,000 to 40,500 के लेवल सिल्वर में नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए कच्चे तेल पर भी साथ साथ नजर डाल लीजिए। आपने कहा कि सोने चांदी में खरीदारी है, कच्चा तेल भी चढ़ने की कोशिश में, 1% की स्ट्रेंथ जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करें? कच्चे तेल में ये जो भी अपसाइड आती है उसमें बेचना चाहिए, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में ऑयल का जो डिमांड एक्सपेक्टेड था, प्रोजेक्टेड, दैट वाज 100.5 million barrels per day। सो विद द ग्लोबल स्लो डाउन गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लग रहा है कि ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 99.5 to 99 million barrels per day। सो इवन दो ओपेक प्रोडक्शन का कंटिन्यू रखेगा, ये प्राइस सस्टेन नहीं हो पाएंगे। सो 4,000 के स्तर पे ऑयल को बेचना चाहिए, और नीचे में 3880 तक के लेवल के लिए ये हफ्ते के लिहाज से वेट करना चाहिए। सोना चांदी खरीदे लेकिन कच्चा तेल बेचकर चले। शुक्रिया कुणाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरे कमोडिटी मार्केट पर आज हमारे दर्शकों के साथ राय शेयर करने के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे L&T फाइनेंस के मैनेजमेंट से होगी बात, बने रहिए हमारे साथ। कुछ काम आसान होकर भी मुश्किल लगते हैं, अक्सर मंजिल की ओर बढ़ते कदम डगमगाने लगते हैं।
लेकिन आपके पास हो अगर एक सच्चा साथी तो समझिए कामयाबी पक्की है। और जब बात हो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की तो फिर आपका सच्चा गाइड है ही, जो देता है एग्रो से लेकर नॉन एग्रो कमोडिटी मार्केट की हर लेटेस्ट अपडेट। देखिए कमोडिटी राउंड अप सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। मिष्ठान बासमती राइस प्रेजेंट्स टॉप स्टॉक्स ऑफ द डे। मिष्ठान बासमती राइस, लिमिटलेस हैप्पीनेस। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक नोट ऐप डाउनलोड कीजिए और पहले महीने 100% ब्रोकरेज कैशबैक पाइए।